अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम एक नई रेसिपी के साथ आपके पास आए हैं। तो ये हमने लिया है तकरीबन आधा किलो चिकन, जिसको नॉर्मल जितने पीसेस होते हैं उतना ही हमने इनको रखा है। तो आज हम ये चिकन चिली टाइप बना रहे हैं, इन थोड़ा डिफरेंट तरह से इनको फ्राई कर रहे हैं, जिसके लिए हमने सारा ये मैरिनेशन का सामान भी लिया हुआ है। यह दही हमने लिया एक कप, जिसको मैंने घर में खुद ही जमाया है और बहुत ज़बरदस्त जमा हुआ है, जिसका मुझे यकीन भी नहीं आ रहा। तो ये मैंने लिया है लहसुन का पेस्ट एक क्यूब, काली मिर्च पिसी हुई तकरीबन एक चम्मच, ये कढ़ाई मसाला जो है ये भी तकरीबन एक चम्मच है, और ये गरम मसाला ये भी एक चम्मच। सबसे पहले हम एक दही डाल देंगे। साथ में ये क्यूब लहसुन का ये भी डाल देंगे। इसके बाद थोड़ी देर बाद ये खुद ही इसमें गल जाएगा। फिर हमने जो ये मसाले लिए हैं, काली मिर्च और कढ़ाई मसाला और गरम मसाला एक एक चम्मच, ये डाल देंगे साथ। एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, एक चम्मच खुश्क धनिया पिसा हुआ और हसबे जायका नमक। अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से, ताकि सारे कोर्स पे जो है ये मसाले वगैरह लग जाए अच्छी तरह से। अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे, फिर हम इसको शाम में बनाएंगे। अभी दोपहर का टाइम है, 12 बज रहे हैं, तो ये हम तकरीबन 4 बजे इसको बनाएंगे। 4:30 बजे तब तक इसको ऐसे ही मेरीनेशन पे, इसको फ्रिज में हम अब ढकना रख के इसको फ्रिज में रख देंगे। ये देखो अच्छी तरह से हमने इसमें लगा लिया है। अब हम इसको तकरीबन 3 से 4 घंटों के लिए मेरीनेशन पर रख देते हैं। चिकन को हो गया तकरीबन 3 से 4 घंटे मेरे नेट हुए पड़े। तो हमने अब लिया है एक प्याज, एक बड़ी साइज़ का प्याज था, जिसको हमने इस तरह से काट लिया है। साथ में 2 अदद टमाटर और ये 3 अदद सब्ज़ मिर्ची, क्योंकि हम इसमें सुर्ख मिर्ची और काली मिर्ची डाल चुके हैं, तो इसलिए सब्ज़ मिर्ची हम इतनी डाल रहे हैं। अब हम जल्दी से ऑयल रख देते हैं गर्म होने के लिए। ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं। अब प्याज को हमने गोल्डन फ्राई करना है। ये देखिए प्याज जो है गोल्डन फ्राई हो गया है। अब हम इसमें जो हमने मैरिनेट किया था चिकन वो डाल देते हैं। अब हमने इसे अच्छी तरह से बुनाई करनी है चिकन की। ये देखिए ऑयल छोल रहा है, इसका हिस्सा पानी जो है उतारा तकरीबन खुश्क हो रहा है। ऑयल जो है वो सारा निकल चुका है, पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है। अब हमने जो 2 टमाटर लिए थे उसका हमने बना इसको बना लिया हमने जूस, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम वो 2 टमाटरों का जूस इसमें डाल देंगे।
ठीक है, हमारा तकरीबन रेडी है। पानी जो है इसका खुश्क हमने करना है ताकि इसका ऑयल जो है सारा सालन जो है वो ऑयल छोड़ने लग जाए, फिर बिल्कुल रेडी है हमारा चिकन। ये रेसिपी बिल्कुल मैंने खुद से बनाई है, इन्हें खुद से बस ये प्रोसेस किया है, तो आप भी इसको ज़रूर फॉलो करें। ये इंशाल्लाह बहुत ही चटपटा सा ऐसे एक चिकन का बहुत ही चटपटा सालन बन रहा है। ठीक है, हमने इसको जो पहले मैरिनेट किया था तो सारे मसालों का जायका जो है चिकन में अच्छी तरह से जज्ब हो चुका है, जा चुका है चिकन में। बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। बस हमें इसको थोड़ी सी बुनाई करनी है। ये देखो ऑयल बिल्कुल छोड़ रहा है और इसे चटपटा सा चिकन रेडी हो रहा है। चिकन बिल्कुल रेडी है, अब हम गैस बंद कर देते हैं और हम इसके ऊपर जो है हरा धनिया और सब मिर्ची डाल देते हैं।